मोदी अभी फ्रांस में हैं और वहीं से देश में भ्रष्ट नेताओं पर बड़ा वार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट और आतंकवाद पर लगाम कसी जा रही है और इसमें थकने या रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मोदी ने यहाँ प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद के एक कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। मोदी ने ये भी कहा कि मैंने 4 साल पहले फ्रांस की यात्रा के समय हजारों लोगों के संवाद में ये कहा था कि भारत आशाओं और आकांक्षाओं के सफर पर निकलने वाला है। आज नम्रता और विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि हम ना सिर्फ निकल पड़े हैं बल्कि 130 करोड़ लोगों के सामूहिक प्रयास से तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे भी बढ़ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार में सिर्फ 75 दिन ही हुए हैं और सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार साफ नीति और साफ नियत के साथ आगे बढ़ रही है, साथ ही सही दिशा में काम करना भी हमारा एक लक्ष्य है। नई सरकार बनते ही जल शक्ति के लिए नया मंत्रालय बनाया गया है जो पानी से संबंधित सारे मामले को देखेगा। गरीब किसानों और व्यापारियों को पेंशन की सुविधाएं मिल रही हैं। पीएम मोदी ने 3 तलाक और धारा 370 को खत्म करने पर भी अपनी सरकार की तारीफ की है। ये बातें पेरिस में पीएम मोदी ने भारतीयों के एक सम्मेलन में कही है। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।